इस कोरोना से लोगों की सेहत ही खराब नहीं हुई, साथ ही लोगों की वित्तीय स्थिति भी बहुत खराब हुई। जब तक बच्चा, छात्र और शिक्षक आमने सामने संवाद नहीं करते, तब तक वो शिक्षा का माहौल ही नहीं बनता। इन शिक्षा के माध्यम से यदि उन्होंने पढ़ाई करी और उनको हम यदि नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर देते हैं तो शिक्षा का स्तर बहुत गिर जाएगा। कोरोना काल ने देश की अर्थव्यवस्था को तो प्रभावित किया ही किया है, साथ ही साथ इसने हर वर्ग को अपनी चपेट में लिया है। चाहे बात मध्यवर्गीय परिवार की करें, चाहे बात गरीब परिवार से लेकर हम अमीर परिवार की बात करें, और साथ में अगर हम बात स्कूल और कॉलेजेस की करें तो स्कूल और कॉलेजेस भी इससे अछूते नहीं हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ के ITM कॉलेज के सचिव मिस्टर डिंकल अग्रवाल जी। डिंकल जी, किस तरह से आप इस कोरोना काल को देखते हैं? धन्यवाद कैलाश जी। देखिए, ये कोरोना काल में आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है। इस कोरोना काल में इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो चुकी है जी। इस कोरोना से लोगों की सेहत ही खराब नहीं हुई, साथ ही लोगों की वित्तीय स्थिति भी बहुत खराब हुई। चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो जितने भी कार्य करने वाले प्राइवेट संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारी हों, शिक्षक हों, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोग हों, सबको इस पर बहुत ही बड़ा असर पड़ा जी। आज इस देश में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरियां चली गई हैं। व्यापारी वर्ग का व्यापार दो दो तीन तीन महीने के लिए बंद हो जाता है। चाहे वो पिछले साल की बात हो तो कम से कम 3 से 4 महीने लोगों का व्यापार बंद रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अब दोबारा जब से अप्रैल में लॉकडाउन लगा है, फिर दोबारा अप्रैल मई जून में व्यापारियों का व्यापार बंद है। बिल्कुल। तो ये सब बंद होने की वजह से खाली व्यापारी का व्यापार बंद नहीं होता है, उसके पीछे जितने भी कल कारखाने काम करने वाले लोग हैं उनका भी व्यापार खत्म हो जाता है। जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उनका रोजगार खत्म हो जाता है। तो ये एक पूरी चेन है, और इस चेन की में जब ये सब आदमी बीमारी से, तो बीमारी में उसको जो भी चोट लगी, उसको आर्थिक चोट भी बीमारी में लगी, उसको शारीरिक चोट भी बीमारी में लगी, लेकिन जो लोग बीमार नहीं हुए उनको भी उतनी ही चोट लगी है जितनी बीमार लोगों को चोट लगी है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी आपने ही देखा होगा, पीछे कुछ दिनों पहले ही अलीगढ़ में एक परिवार के यहाँ मिला कि वो बेचारे 4 दिन से 6 दिन से भूखे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और बाद में उनको फिर सरकार ने मदद पहुँचाई। ये लोग तो ऐसे हैं जो कि सामने आ गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो सामने ही नहीं आ रहे, कि उनको आखिर वो अपना दुख दर्द किसी से बांट भी नहीं पा रहे हैं। हालांकि सरकार विभिन्न योजनाएं दे रही है गरीब लोगों के लिए, लेकिन वो सब लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाती। उसके भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन फिर भी सरकार अपनी तरफ से मदद कर रही है। हमें इस वक्त 3 तरीके से हमें टूटे हुए हैं। हम लोग शारीरिक तौर पर बीमारी से टूटे हुए हैं जी। दूसरा, हम लोग आर्थिक तौर पर टूटे हुए हैं। बिल्कुल। और जब हम शारीरिक तौर पर टूटे हुए हैं और आर्थिक तौर पर टूटे हुए हैं, तो मानसिक तौर से भी हम अपने आप टूट जाते हैं। बिल्कुल। तो इस समय सभी को बहुत ही ढांढस की ज़रूरत है, बहुत ही एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिससे कि सब में एक बूस्टअप आए कि भाई हाँ, हम लोग दोबारा पुनः अपना जीवन शुरू कर सकते हैं। कोरोना का प्रभाव शिक्षा जगत पर बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिला है। पिछले लगभग 2 सालों से स्कूल और कॉलेजेस लगभग बंद से ही हैं। बीच में जब थोड़ा सा कोरोना का कहर कम हुआ तो सरकार ने कुछ गाइडलाइनों के साथ में कॉलेजेस और स्कूल्स को खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन उस अनुमति के बाद से फिर से जब दूसरी लहर आई तो स्कूल और कॉलेजेस को दोबारा से बंद कर दिया गया। ऐसे में सर, किस तरीके से आप देखते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस पर लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है? पिछला 1 साल हो गया कॉलेज स्कूल बंद हैं, दूसरा ये ईयर फिर दोबारा से लग गया, ऐसे में भी स्कूल कॉलेजेस अभी नज़र नहीं आ रही है कोई भी उम्मीद के स्कूल कॉलेजेस खुल पाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस कोरोना में जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है वो कॉलेजों पे ही पड़ा है। कॉलेजों के साथ साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है, विद्यार्थी जिनका कि पिछले 2 साल से कैरियर बिल्कुल ख़राब हो रखा है जी, उसके अलावा यहाँ कार्य करने वाले जितने भी शिक्षक हैं हमारे, उनको बहुत समस्याओं का
सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जब तक हम लोग आज ऑनलाइन शिक्षा की बात करते हैं, ऑनलाइन हम पढ़ाई की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात समझिए कि यदि ऑनलाइन से शिक्षा हो सकती होती तो किसी कॉलेज की ज़रूरत ही नहीं होती ना जी, किसी शिक्षक की ज़रूरत ही नहीं होती। फिर तो बच्चा यूट्यूब के जरिए या कोई बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स को गूगल पे सर्च करके उनको पढ़ सकता था और उसको वहीं से एग्ज़ाम दे देता, उसको कॉलेज आने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब तक बच्चा, छात्र और शिक्षक आमने सामने संवाद नहीं करते तब तक वो शिक्षा का माहौल ही नहीं बनता, तब तक दोनों की आपस में बातें नहीं होती, डिस्कशन नहीं होता, पॉइंट नहीं होता, तब तक बच्चे की पढ़ाई बेकार होती है। ऑनलाइन शिक्षा में क्या है कि हम वन वे कम्युनिकेशन पे बात कर रहे होते हैं, बच्चे होते हैं लेकिन वो उतनी तारमता से बात नहीं होती, उतनी अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ाई नहीं करते जी। जब बच्चा बोर्ड पे पढ़ता है, क्लास में पढ़ता है, तो उसका माहौल ही एक अलग होता है। बिल्कुल। तो हम तो पिछले 2 साल से देख रहे हैं, हमने पहले ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, फिर जैसे ही सरकार ने हमें 15 अक्टूबर 2020 को परमिशन दी कि आप कॉलेज खोलें, हमने तुरंत कोरोना प्रोटोकॉल के जरिए सारे पूरे कॉलेज को ओपन किया और हमने यहाँ पर अपने बच्चों को बुलाया और बच्चों को बुला के हमने उनको पढ़ाई शुरू कराई, और जिसके माध्यम से फरवरी के मंथ में यूनिवर्सिटीज़ ने और जितने भी बोर्ड्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम करवाए और अभी उनका रिजल्ट भी जारी हुआ है। तो क्योंकि बच्चे पहले सेमेस्टर में ऑफलाइन क्लास अक्टूबर से लेकर फरवरी तक कर चुके थे तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, लेकिन फिर वापस अप्रैल से हम लोग फिर लॉकडाउन में चले गए और ये पूरा सेमेस्टर चल रहा है। जब सरकार ने ये बात कही कि बच्चों को हम लोग बिना परीक्षा दिए या बिना उनके असेसमेंट किए ही हम उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर देंगे, तो बच्चे का जो पढ़ाई का मनोबल है ना वो टूट जाता है। होता क्या है कि बच्चे को लगता है कि अब तो मैं पास हो ही जाऊंगा तो मुझे ज़रूरत क्या है पढ़ने जी, की बिल्कुल। तो मैं तो अभी भी सरकार से गुजारिश करूंगा कि जैसे हमारे आज की डेट में धीरे धीरे नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं तो हमको 1 जुलाई से कॉलेज खोलने की परमिशन दी जाए और कम से कम 1 माह बच्चे यदि पढ़ाई करने के बाद और उनके यदि एग्ज़ाम कराए जाएं, उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पढ़ाया जाए और जो हमने ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ाई है उस पढ़ाई को हम दोबारा यहाँ रिवीजन कराएं। रिवीजन कराने के बाद उनके जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएँ, तो उससे जो बच्चों की क्वालिटी है, जो शिक्षा की क्वालिटी है, जो बच्चों की योग्यता है वो बढ़ेगी। अदरवाइज ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से यदि उन्होंने पढ़ाई करी और उनको हम यदि नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर देते हैं तो शिक्षा का स्तर बहुत गिर जाएगा। डिंकल जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कोरोना काल में कॉलेजेस स्कूल्स के अर्थव्यवस्था भी चकराई है, इस पर भी असर पड़ा है, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और पिछले 2 साल में 1.5 साल में कॉलेज की अर्थव्यवस्था बिल्कुल शून्य हो चुकी है। जितना पैसा हम लोगों के पास हमारे रिजर्व में भी था वो सब खत्म हो चुका है। आज स्थिति ये है कि गार्जियंस के पास फीस देने को पैसे नहीं हैं, कॉलेजों के पास अपने स्टाफ को सैलरी देने को पैसे नहीं हैं, किसी भी मतलब हम लोग पूरी तरह डिपेंडेंट फीस पर हैं क्योंकि हमें सरकार से तो कोई मदद मिलती नहीं है फीस को लेके। साथ ही जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी बोर्ड्स हैं, सभी अपनी परीक्षा शुल्क आदि सब कुछ ले रहे हैं, कोई कहीं पर कोई माफ़ी नहीं है। हालांकि सरकार का भी एक बहुत ही स्वागत का कदम आया है कि उन्होंने जो भी कोरोना में अनाथ बच्चे हुए हैं उनकी एग्जामिनेशन फ़ीस को उन्होंने माफ़ किया है, वो एक अच्छा कदम है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कॉलेज की अर्थव्यवस्थाएँ बिल्कुल सभी की शून्य हो चुकी हैं, और आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो शिक्षक हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, जो बिना शिक्षा वाले भी कार्य करते हैं, जिसमें कि आपको मैं बताऊं लगा के सफाई वाले से लेके प्यून, रजिस्ट्रार ऑफिस का स्टाफ, लैब टेक्नीशियंस, ये सारे लोग हैं। एक कॉलेज को चलाने के लिए खाली शिक्षक ही नहीं, शिक्षक के साथ साथ बहुत लोग चाहिए होते हैं, बहुत सारा स्टाफ चाहिए होता है। हमें आज उसकी सैलरी देने के लिए समस्याएं आती हैं, हमारे पास क्योंकि फ़ीस का कलेक्शन बहुत कम है तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा साथ साथ हमें हमारे पास बिजली का बिल हमें यूँ की तो ही देना पड़ता है, अदर जो जितने भी हमारे टैक्सेज हैं वो हमें सब कुछ देने ही देने हैं। तो हमारे ऊपर कोई, हमें सरकार की तरफ से कोई माफ़ी योजना नहीं आए हैं हम लोग,
या कोई हमारे लिए कोई ऐसा पैकेज नहीं आया है। तो हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि भाई कोई स्कूल कॉलेजों को भी इस तरीके का आर्थिक पैकेज दिया जाए, जैसे अभी अभी सरकार ने टूरिज्म को दिया है एक लगभग 40,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है सरकार ने, तो ऐसा ही कोई पैकेज जो है सरकार हम कॉलेजेस को भी दे, बिल्कुल, जिससे कि हम लोग जो हमारे अपने शिक्षक हैं, जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो इस प्रदेश की नहीं इस देश में जो लाखों शिक्षक हैं और जो लाखों लोग कॉलेज जिससे जुड़े हुए हैं, जिनका रोजी रोटी कॉलेज से चलती है, तो उनकी भी उनको भी मदद की आवश्यकता है। और हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि वो इस तरफ भी देखे और यहाँ भी जो है वो कुछ ऐसे पैकेज दे। कोरोना काल के चलते लंबे समय से बंद स्कूल और कॉलेजेस के चलते विद्यार्थियों का जीवन या कह सकते हैं उनका भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप डिंकल जी इसको? ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना के कारण हमारी ये जो जनरेशन है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनका भविष्य अंधकार की तरफ बढ़ता जा रहा है। और हमने इस पे शीघ्र ही यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हमें इसका खामियाजा आने वाले सालों में भुगतना पड़ेगा। मैं आजकल देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, हमने उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए, हमने उनके हाथ में टैबलेट पकड़ा दिए, हमने उनके हाथ में लैपटॉप पकड़ा दिए। आज वो सुबह 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए उनकी क्लासेस होती हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमने जो उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पकड़ा दिए, उसकी वजह से वो आज पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे निर्भर हो गए। जी बिल्कुल, वो 3 घंटे 4 घंटे तो जो भी उनकी पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन के माध्यम से उसे पढ़ते हैं, उसके बाद वो पूरा अपना समय उस पर वीडियो गेम्स, मूवीज़, कार्टून फिल्म्स या जिस एज का जो भी बच्चा है और वो जो भी उसका इंटरेस्ट है वो उसमें लगा रहता है। और आज स्थिति ये है कि एक बच्चा अमूमन 10 से 12 घंटे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहता है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, किसी भी प्रकार की इस तरीके की चीज़ें उन पे रहता है, जिससे हमारे जो यूथ है, जो हमारा बच्चे हैं, वो बिल्कुल अंधकार की तरफ जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय के लिए हमारे लिए बनती जा रही है। वो आजकल घर से बाहर इसलिए निकलता कि मुझे कोरोना का डर है, तो वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, कोई गेम्स नहीं खेलता, बाहर नहीं जाता, दोस्तों में मिलने जुलने नहीं बैठता। और क्योंकि पहले तो बच्चा कम से कम 6 से 7 घंटे 8 घंटे स्कूल के बहाने बाहर रहता था, आज क्योंकि पिछले 1.5 साल से स्कूल्स में बहुत कम समय के लिए आना हुआ है तो वो ज़्यादातर समय घर रहता है, और उसकी स्थिति इतनी ख़राब होती जा रही है कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ बिल्कुल ज़ीरो होता जा रहा है। तो हमें हमारे माँ बाप को, बच्चों के माँ बाप को ये ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा कितनी देर सोशल एक्टिविटीज़ पर है, कितनी देर सोशल मीडिया पर है, कितनी देर वो डिजिटल माध्यम पे जहाँ पर भी है वो कितनी देर है। हमें उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ में निकालना होगा, हमें उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो एक लिमिटेड समय के लिए ही मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट्स का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, ऐसा ना हो कि वो 12-12 घंटे 10-10 घंटे उसी चीज़ पे लगे रहते हैं और उसकी वजह से वो अपना समय भी ख़राब करते हैं, अपनी आँखें भी ख़राब करते हैं और अपना भविष्य भी ख़राब कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ ITM कॉलेज के सचिव डिंकल अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने बेबाक अपनी राय कोरोना काल के ऊपर रखा। साथ ही इन्होंने माता पिता को एक सुझाव भी दिया है कि अपने बच्चों का जब वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हों पढ़ाई के लिए तो उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का जो उनका पीरियड 2 से 3 घंटे का मोबाइल पर रहता है, उसके बाद भी वो जो है मोबाइल का लगातार प्रयोग करते रहते हैं, जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे बच्चों पर देखने के लिए मिले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर जल्द मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।